हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के इंतजार लाखों की संख्या में अभ्यर्थी करते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि नई भर्ती कब आ रहा है, कितने सीटों पर आ रहा है, कौन कौन उसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे सकते हैं, और अभी जो सीएसबीसी के नए चेयरमैन ने शपथ लिया है, शपथ लेते समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें उन्होंने क्या जानकारी दिया है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज ही के अभी का न्यूज आप पढ़ोगे, अभी के न्यूज में पूरा ये बात छाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बस ये आपको पॉलिटिकल स्टंट है, मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि जो भर्ती चलेगा 3 बार लगातार चलेगा, और वो आज कहा भी गया है सिंघल जी द्वारा, यानी सीएसबीसी के चेयरमैन द्वारा वही बात कहा गया। कुछ बात जो पहले मैं आपको बता चुका हूं वही सभी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में, कितने पदों पर भर्ती होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती आ सकते हैं, कौन कौन इच्छुक अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और सीएसबीसी के मुख्यतः सीएसबीसी कांस्टेबल की भर्ती आपको कंडक्ट कराता है, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, फायरमैन में, एक्साइज कांस्टेबल में, उस पर हम बात करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, चलिए मैं शुरुआत करता हूं बड़े स्लाइड के साथ, और ये देख लीजिए अलग अलग न्यूज़पेपर का मैं कटिंग यहां पर लगा रखा हूं, अभी का है ये, आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए, ये देखिए यहां से 11 फरवरी 2023 ये 3:18 पर ये अपडेट किया गया है। बिहार पुलिस सिपाही के पद पर बंपर भर्ती 3 महीने के अंदर होगी बहाली, जानिए पूरा अपडेट। यानी कि एक तो नियम बदलाव करने के लिए भी हो रहा है, मैं आपको बता रहा था कि कुछ इसलिए डिले हो रहा है, कुछ नियम भी बदलाव किए जाएंगे। ठीक, नियम बदलाव का संकेत मिल चुका है आपको, जो भी है चेयरमैन वो दे चुके हैं। अब इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, यहां पर देख सकते हैं कि एसके सिंघल द्वारा, और वो नए चेयरमैन बन चुके हैं सीएसबीसी का, और शपथ भी ले चुके हैं। ठीक, आज ही के डेट में देखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो भी मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा क्या क्या कहा गया उनके द्वारा। ये जो न्यूज है मैं इसे बड़े स्लाइड पर दिखा रहा हूं आपको, कि यहां पर देखिए बिहार पुलिस में पुलिस की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर विज्ञापन जारी होने के 3 महीने के अंदर बहाली कर दी जाएगी, यानी विज्ञापन जारी होगा उसके 3 महीने के अंदर बहाली आपको कर दी जाएगी। इसका मतलब कि बहुत बड़े फेरबदल करने जा रहा है सीएसबीसी। यहां पर देख सकते हैं केंद्रीय चयन सिपाही जो भर्ती है, अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी, पहले के डीजीपी भी रह चुके हैं संजीव कुमार सिंघल और एसके सिंघल ने यह बात कही है। बता दें कि आगे आने वाले दिनों में बिहार पुलिस में करीब 67,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें करीब आधे पद जो है सिपाही और उसके समकक्ष हैं। आप कहिएगा कि ये सिपाही का ही सिर्फ क्यों बात करें कांस्टेबल का, क्योंकि सीएसबीसी जो कराता है वो कांस्टेबल का ही भर्ती कंडक्ट कराता है, कांस्टेबल रैंक का भर्ती आपको जो उसके समकक्ष वो कराता है, इसलिए ये बात कहा जा रहे हैं। क्योंकि 67,000 भर्ती तो आप सब लोग जान चुके हैं कि है इतना होने वाला है आने वाले 3 साल में, तो इसमें आपको कांस्टेबल रैंक की भर्ती बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष एसके सिंघल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज कौन सा दिन है आप समझ सकते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी होने के 3 महीने के भीतर बहाली कर दी जाएगी। सो 3 महीने के बहाली अंदर कर दी जाएगी, यानी कि अभ्यर्थी को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, आगे भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं फिर बात बताऊंगा। उन्होंने बताया है कि भर्ती में कदाचार रोकने के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल कॉन्फ्रेंस के दौरान इनके द्वारा जो कहा गया है, जो पूछा गया था कि जो पेपर आउट होता है, जो आंसर वायरल होता है, उस पर क्या किया जाएगा, आखिर वो उस पर कब कंजा कसा जाएगा, तो वो बात बहुत पहले से देखिए हम लोग के तरफ से भी, काफी अभ्यर्थी भी, मैं अलग अलग समय पर आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि पुलिस मुख्यालय में हम लोग की तरफ से या जो अभ्यर्थी उनके तरफ से ये बार बार किया जाता है, मैसेज लेटर भी लिख कर दिया जाता है कि जो चोरी है उसको रोका जाए। यहाँ पर देखिए कदाचार रोकने के लिए यहाँ पर देखिए अतिरिक्त सतर्कता बढ़ती जाएगी, साथ ही नए तकनीक संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए यूपी भर्ती बोर्ड के डीजी और अन्य राज्यों के साथ विचार विमर्श चल रहा है कि जो आपको चोरी होता है, जो धांधली होता है, जो आंसर वायरल हो जाता है, इसको कैसे रोका जाए। ये देखिए ये हुआ काम आपको, एक चेयरमैन का काम ये होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता देना कि नहीं हम ये इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस चीज को रोकना है। अब ये देखिए ये आपको किसका वर्ड है पता है आपको, हूबहु आपको वर्ड जो बोला गया है वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सुने होंगे तो ये आपको चेयरमैन का वर्ड है, तो चेयरमैन जब बोल रहे हैं तो जरूर इस पर कार्रवाई होगा, एक बात समझ में आपको आना चाहिए। ठीक, अब यहां देखिए विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष सिंघल ने सभी अभिभावकों और युवाओं को और शिक्षकों को अपील की है कि वह सरकार के द्वारा बहाली के लिए दिए गए जाने वाले अवसरों की तैयारी करें, यानी कि शिक्षक से, टीचर से, अभ्यर्थी सबसे बोल रहे हैं कि अपनी तैयारी में आप जुड़ जाइए और तैयारी में ईमानदारी पूर्वक जुड़िएगा, हम उसमें सहयोग करेंगे आपको, क्योंकि आप जान रहे हैं कि स्टडी मोड में बिहार पुलिस कांस्टेबल हजारों अभ्यर्थियों का आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। ठीक, अब यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है
ये रहा आपका न्यूज़पेपर जो है प्रभात का न्यूज़पेपर। इसमें भी देखिए काका इनके द्वारा आपको जो महत्वपूर्ण है नोट यहाँ से देखिए प्रभात न्यूज़पेपर, और ये भी देख सकते हैं कि 4:20 पर जो अपडेट है आज ही के डेट में कि बिहार पुलिस में होगी बंपर बहाली, जाने किस विभाग में होगी बहाली, सबसे पहले 389 पदों पर भर्ती। यहां पर एक चीज इन्होंने भूल गए, ये 389 नहीं है, ये 689 है, 689 पदों पर भर्ती हो रहा है। अभी जो पिछले चेयरमैन थे उनके ही कार्यकाल में ये 689 पद है एक्साइज कांस्टेबल का है। तो आप लोग कहिएगा क्या एक्साइज कांस्टेबल में और भर्ती नहीं आएगा? और भर्ती आएगा, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल में और भी पद खाली है, नया नया पद भी बनाया गया है, तो एक्साइज कांस्टेबल का एक भर्ती और आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए केंद्रीय चयन परिषद अध्यक्ष के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल ने शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए यानी आज के डेट में ये कहा है कि बिहार पुलिस में शीघ्र ही बंपर भर्ती होगी। केंद्रीय चयन परिषद अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि शनिवार को पद ग्रहण, यहां पर देखिए पद ग्रहण के बाद उन्होंने पहली बार पत्रकारों को बात की है और सबसे पहले एक्साइज विभाग में एक्साइज कांस्टेबल में 689 पदों के लिए आप देखिए ये बहाली चल रही है। बता दें कि संजीव कुमार सिंघल बिहार के पूर्व डीजीपी थे और रिटायर होने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने संजीव कुमार सिंघल को सीएसबीसी जो कि बार बार आपको सवालों को घेरे में रहता है, सीएसबीसी ये आपका केवल सवालों को घेरे में रहता है, टेंसर वायरल के चलते घेरे में रहता है, ब्लूटूथ के चलते घेरों में रहता है। तो इस पर आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जरूर काम किया जाएगा चेयरमैन द्वारा, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि हताश नहीं हो, नौकरी जरूर मिलेगी। ये किसके द्वारा, इस किसका वर्ड है, चेयरमैन का। यहां पर देखिए संजीव कुमार सिंघल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि केंद्र चयन परिषद से पूर्व अध्यक्ष जो थे उनके कार्यकाल में ही उत्पाद विभाग में 389 आप देखोगे नहीं, ये 689 भी पद पर भर्ती निकाला गया था, जो कि अभी प्रक्रिया चल रहा है, अभी एग्जाम इसका होने वाला है। पद सिपाहियों के बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसी कारण से सरकार सबसे पहले इस पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके बाद बिहार पुलिस के रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। उन्होंने बिहार के युवाओं से अपील किया है कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यहां पर देखिए साथ साथ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि विभाग में इतनी नौकरियां है कि अगर आपको यहां पर देखिए ध्यान से ये सब पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको नौकरी नहीं मिली तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, एक बार में दूसरी बार में मिलेगी, अगर दूसरी बार में नहीं मिलेगी तो तीसरी बार में मिलेगी, यानी कि 3 योजना के तहत आपको भर्ती ये कंडक्ट कराया जाएगा, जो 67,000 भर्ती मैंने आपको बताया था, और उसमें मैंने आपको बार बार ये बताता हूं कि ये जो भर्ती है ये 3 बार में आपका पूरा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में कांस्टेबल का पद होंगे और उसके लिए आपको हताश नहीं होने जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा के बदले जाएंगे नियम, यानी कि ये तो बहुत जरूरी है परीक्षा के नियम बदले जाए, क्योंकि जो कांस्टेबल का भर्ती आता है इंटरमीडिएट, उसका आपका सिलेबस है उसको बदल कर 10th पर किया जाए, जैसे एक्साइज कांस्टेबल का 10th पर है कि लड़के ईमानदारी पूर्वक स्कोर कर अपना रिजल्ट बना पाए, और फिजिकल में भी कुछ ना कुछ जरूर बदलाव हो, क्योंकि इतना जो स्कोर फिजिकल में करना होता है, यानी कि रिटेल रहो आईएएस की तरह, फिजिकल रहो कमांडो की तरह, और चोरी को रोक नहीं पा रहे हो, पैसा भरवाते समय हजारों रुपया लिया जाता है, फॉर्म भरवाते समय हजारों रुपया लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं धांधली पर भी रोक लगना चाहिए। पूर्व डीजीपी ने कहा है कि केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से ली जाने वाली परीक्षाओं में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे, यहां पर देख सकते हैं कुछ बदलाव किए जाएंगे, इसलिए आप देखोगे कि कुछ आपको डिले मिल रहा है भर्ती देखने में। परीक्षा के समय बायोमेट्रिक के दोनों थंब और फेस का मिलान किया जाएगा, ये तो समय समय पर होता भी है। इसके साथ ही पीटी मतलब कि फिजिकल और मुख्य परीक्षा अगर कोई हो रहा है, यानी कि मुख्य परीक्षा बोला गया है तो कुछ ना कुछ जरूर यहां पर सोच समझ कर बोला गया है, मुख्य परीक्षा में बायोमेट्रिक और फेस मिलान किया जाएगा, और ज्वाइनिंग के समय भी फेस मिलान और बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ये आपको बताया गया है सिंघल जी द्वारा, यानी कि सीएसबीसी के चेयरमैन द्वारा। अच्छा लगा सुनकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाला वीडियो भी मैं आपको जल्दी उपलब्ध करा दूंगा इसी चैनल पर, और आप लोग भी जरूर सुनिएगा। तो ये आपका रहा कि जो आज इन्होंने मुख्य रूप से कहा है, दो चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि नए बदलाव देखने को मिलेंगे, श्योर एकदम मिलेंगे आपके एग्जाम में, पैटर्न में बदलाव, एग्जाम के पैटर्न में ये बदलाव देखने को मिलेगा कि आपको सीएसबीसी जो इंटरमीडिएट पर ले रहा था, हार्ड क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे उसके चलते जो आंसर वायरल हो जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेंगे, जो चोरी है उस पर शिकंजा कसा जाएगा, और काफी और भी बात कहा गया है, समय के साथ मैं आपको बताते चलूंगा कभी कभी उसे भी। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये अपना जो प्रचार किया जा रहा है पार्टी द्वारा, उसमें भी आप देखिएगा ये जो पुलिस मुख्यालय द्वारा भी ऐसा जानकारी आपको दिया गया है, तो यहां पर देख सकते हैं कि हम जो कहते हैं डेफिनेटली वो करते हैं, हम यूं नहीं सुशासन के सरकार कहते हैं, ये जो है ये आपको प्रचार है एक तरफ से, जनता दल यूनाइटेड का अपना प्रचार है, बट मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जरूरी है तो इसे मैं बता दूं। इसमें क्या क्या बताया गया है कि पुलिस के 67,000 पदों पर बहाली, जिसमें दरोगा में देखिएगा 20,937 होगा, चालक का बहाली अच्छा खासा है 5,500 पद है, सिपाही का आप देखिएगा कि 20,010 पद है, और डायल 112 के तहत भी 19,288 पद है। ये 3 बार में बहाली किए जाएंगे, कांस्टेबल वाला, डायल वाला जो है इसको भी आपको बहाली किया जाएगा, यानी कि 2-3 भर्ती तो इसी साल में आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां से समझने की कोशिश कीजिए, आपका मेन टारगेट है सीएसबीसी द्वारा, जो सीएसबीसी मतलब सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, जो सीएसबीसी आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसका लगभग देखिएगा सभी जो फॉर्म आता है 12th पर आता है,
12th पर आता है। इसका फॉर्म में आप देखिएगा 18 से लेके जनरल आपको देख लीजिए 18 से लेके 25 तक, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस का बात कर रहा हूं मेल का, 18 से लेके 25 तक साल आपको दिया रहता है। तो ये जो उम्र है, उम्र इस बार लोचा इसलिए भी क्रिएट करेगा क्योंकि बहुत सालों बाद ये भर्ती आप देखिएगा रुका हुआ है, अभी नहीं आया है, अच्छा खासा भर्ती नहीं आया है। ठीक, उसमें उम्र के लिए लड़के बार बार ये बोल रहे कि सर हमको उम्र में छूट मिलना चाहिए, बात रखा भी गया है आयोग से, ये विनती होगा आयोग से, रिक्वेस्ट भी है कि कहीं ना कहीं उन लड़कों का भी उम्र पर ध्यान दिया जाए जो लड़के का उम्र खत्म हो रहा है और उनका कोई गलती उसमें नहीं है क्योंकि भर्ती ही डिले हुआ है। चेयरमैन बदलते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कोई भी भर्ती देखने को मिलता है डिले, अब इसमें तो नियम भी बदला जा रहा है, यानी कि रूल भी बदला जा रहा है, रूल भी बदला जा रहा है। तो रूल में क्या बदलाव होगा जल्दी मैं उस पर आपको अपडेट देने वाला हूं, पूरा पहले जानकारी मैं इकट्ठा कर लेता हूं उसके बाद ही आप लोगों को अपडेट देता हूं। रूल में बदलाव होंगे यानी कि रिटर्न में भी बदलाव हो सकते हैं, रिटर्न में भी बदलाव हो सकते हैं और आपको फिजिकल में भी बदलाव हो सकते हैं, यानी कि पीईटी में आपको बदलाव हो सकते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको बदलाव हो सकते हैं। ये दोनों में क्या क्या बदलाव होगा जल्दी मैं आपको वीडियो छोटा सा लेकर आऊंगा और पूरा विस्तृत जानकारी आपको मैं देने की कोशिश करूंगा कि अभी चल क्या रहा है और आप लोगों को उपलब्ध भी कराऊंगा। तो ये चीज आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको दो चीज समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अनऑफिशियल तौर पर नहीं है, पुलिस मुख्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से भी एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका मैं ऐसे टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से पीडीएफ जब डाउनलोड कीजिएगा तो ये चीज आपको मिलेगा देखने के लिए। ये जो है ऑफिशियल है, ऑफिशियल जो डाटा तैयार किया गया है गृह विभाग, यहां पर देख सकते हैं आरक्षी शाखा, गृह विभाग के आरक्षी शाखा द्वारा तैयार किया गया है, यहां से देख लीजिए आरक्षी शाखा द्वारा, और ये जो तैयार किया गया इसमें देख लीजिए कि सीधी जो नियुक्ति की जाएगी 48,447 आपको होगा जो कि पुलिस होंगे, मतलब कॉन्स्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती, इसमें आपको डायरेक्ट रूप से ईआरएसएस के थ्रू आप देखिएगा जो इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम के लिए बनाया गया है 19,288 पद है, इसके बारे में सभी ब्यौरा दिया गया, टोटल देखा जाए तो 67,735 तीन बार में यह भर्ती भरा जाएगा, तीन बार में यह भर्ती भरा जाएगा। सो ये सरकार तो होगा ही होगा, बाकी क्या सरकार कब बदल जाता है कौन नहीं जानता, मतलब बिहार में ये क्या है चल रहा है। ठीक, तो ये चीज पर ना हम बात करते हुए ज्यादा, ये हम बात करेंगे कि जो जो चीज बताया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए और कॉन्स्टेबल वाले लड़के अपने तैयारी में लगे रहिए। मैं बताया था कि आपको जल्दी नए बैच भी मिलने वाला है, उसके थ्रू आप जोड़कर तैयारी भी कर सकते हैं। ये जो चीज है आप बेसिक जो 3 बजे क्यूज होता है उसमें आया कीजिए, 3 बजे लाइव क्यूज होता है स्टडी मोड पर चैनल पर, वो अगर आप कर ले रहे तो समझिए कि अच्छा खासा क्वेश्चन आप एग्जाम से निकाल लीजिएगा, यानी कि अच्छा खासा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कुछ सोच समझ कर ही वैसा क्यूज सेट किया जाता है। ये आप देखोगे कि औसत जो है राष्ट्रीय औसत 193 है, इस पर पहले भी मैं आपको बात कर चुका हूं और उसी के आपको वहीं ले जाना है बिहार का, क्योंकि निचले पैदान पर बिहार सबसे निचले पैदान पर आता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये भर्ती करना होगा, उसके लिए पैसा भी कितना लगेगा इसका आप देख सकते हैं कि पैसा के बारे में भी, और आपको कितना रुपया खर्च आएगा। ठीक, इतने पद आपको तत्काल है, कितना पद चाहिए, ये सभी जानकारी आपको दिया गया है ईआरएसएस के थ्रू 7808, ये पहली बार में होगा, द्वितीय चरण में होगा 19,288, ये जो प्रथम चरण वाला जो है ये आपको अपने ही डिपार्टमेंट से ले लिया गया है, बट द्वितीय चरण की बहाली करना पड़ेगा क्योंकि एक ही विभाग से आप ज्यादातर पुलिस को बाहर निकालोगे और जो अलग बनाएगा उसमें डालोगे तो ओबीसी से संख्या कम होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थात 75,543 पदों का सृजन की आवश्यकता पाया गया है, ये जो है 75,543 आवश्यक पाया गया है जिसमें से डायरेक्ट भर्ती होगा और कुछ आपको प्रमोशन किए जाएंगे। यहाँ पर सभी योजना इसमें दिया हुआ है, तो मैं नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए इसमें आपको चालक भी है, चालक सिपाही भी है, और यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्स्टेबल, ये सभी बातें इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर सभी जानकारी भी दिया हुआ है कि ईआरएसएस के थ्रू कैसे लिए जाएंगे और डायरेक्ट जो भर्ती होगा उसके थ्रू भी कैसे लिए जाएंगे। ये पूरा आपका 7 पेज है, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा वहां से देख लीजिएगा। ये देखिए टोटल दिया हुआ है जानकारी कि जनसंख्या के अनुरूप आपको करना है तो पुलिस आपको कितना भर्ती किया जाएगा, ये देखिए 48,447 ये डायरेक्ट भर्ती देखने को मिलेंगे, ये आपको डायरेक्ट भर्ती देखने को मिलेंगे। ठीक, फिर आपको ईआरएसएस के थ्रू देख लीजिए, ये भी दिया गया, इसमें भी ये सभी आपको देखिएगा कि ये आपको पीडीएफ में आपको टेलीग्राम को उपलब्ध करा देता हूँ स्टडी मोड के, और ये थोड़ा उल्टा पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, यानी कि ये डिपार्टमेंट जानकारी दिया है, अब इसमें मंत्रिमंडल अपना जो निर्णय लेता है वो आगे की तरफ अग्रसर होता है, फिर वित्त विभाग से पैसा आवंटन होता है, ये पैसा भी यहाँ पर दे दिया गया है कि कितना कुल खर्चा आएगा, ये देख सकते हैं उल्टा थोड़ा है पीडीएफ ये, क्योंकि उल्टा अपलोड ही किया गया है, तो ये इतना खर्चा भी आएगा। और अलग अलग जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूछिएगा कि सर ये किसका किसका खर्चा दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें इंस्पेक्टर भी है, इसमें दरोगा भी है, इसमें कॉन्स्टेबल, हवालदार, सिपाही, सभी चीज का आपको दिया हुआ है कि कितना कितना पदों पर होगा, और ये सभी पद भी दिया गया है ईआरएसएस के थ्रू 19,288 ये जो द्वितीय चरण की बहाली है उसका आपको सारा डाटा दिया हुआ है। तो ओवरऑल यहां से क्या निकल कर आ रहा है कि अपनी तैयारी में बने रहिए। अब बात दो चीज निकल कर आता है कि भर्ती में डिले क्यों हो रहा है, तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि कुछ ना कुछ नियम भी बदलाव होते होंगे, और जो 689 पदों का है भर्ती, जो उसका एग्जाम होने वाला है मार्च ही में मानकर चलिए, और मैं उस पर अलग से डेट आपको जल्द ही बता दूंगा, वैसे 19 मार्च आपको दिमाग में बैठा कर चलना होगा। ठीक, क्योंकि उस डेट में अगर मिल जाता है सेंटर तो जरूर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर इतना डिले हो गया है, एज में क्या होगा, एज में जरूर बात रखा गया है, मुझे लगता है होप कि सीएसबीसी इस पर संज्ञान ले और चेयरमैन जो नए बने हैं सिंघल जी
उनको भी बात ये पहुंचाया गया है और वो भी जरूर एज में छूट देंगे, तभी लड़के जो है जो छट जाएंगे कुछ महीने कुछ सालों के लिए, उनको एक बार और मौका मिल पाएगा, क्योंकि तीन तीन चार चार बहाली आने वाले हैं तो उसमें जरूर किसी ना किसी मौका मिलेगा और आप लोग अपना परचम लहराएंगे। बट आपको तैयारी अपने मन से करते रहना होगा और कॉन्स्टेबल में अलग भर्ती आएगा, ERSS में अलग भर्ती आएगा, ड्राइवर का अलग भर्ती आएगा, बट सभी जो भर्ती कंडक्ट कराए जाएंगे ये CSBC द्वारा कराया जाएगा, CSBC द्वारा डायरेक्ट भर्ती होगा। अच्छे से आप तैयारी में लगे रहिए, 12th पर आपको जो आपको चाहिए क्वालिफिकेशन कोई भी भर्ती आता है तो, लेकिन ये सिलेबस 10th पर सभी करने जा रहा है, यानी कि 10th स्तर का क्वेश्चन आएगा और आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को निकाल सकते हैं। बाकी कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।